हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और अब हम जा रहे हैं, आज हम जा रहे हैं एक शादी में, फ्रेंड की सिस्टर की शादी है, तो पलवल में है, वहीं जा रहे हैं। तीन बाइक है और दोनों आगे निकल चुके हैं, हम आराम से चल रहे हैं पीछे पीछे, तो मज़ा आया। और अभी हम लोग हैं सूरज कुंड वाले रास्ते पर, सभी जैसे फरीदाबाद के तरफ निकलेंगे, सूरज कुंड गया था गुड़गांव, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। सुबह से भी मौसम ऐसा ही है और ऐसे मौसम में ही राइडिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो अभी मज़ा आ रहा है। और मेरे साथ है फारूक फ्रेंड, और इस बाइक पे हम दोनों हैं, बाकी दो बाइक और है जो पीछे रह गई है, आ रहे हैं वो लोग। और देख सकते हो रूट है बिल्कुल खाली है, ये वाला हमेशा ही खाली होती है। पूरा जो एरिया है BSF के अंडर बना दिया, जितने भी है BSF एरिया को मिलिट्री एरिया बनाया गया है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो इतना ज़्यादा जो है होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंगे नहीं है, कुछ भी नहीं है अंदर की तरफ, और काफ़ी अच्छा है। बारिश की वजह से वाटर प्रूफ लगाना पड़ा, वाटर प्रूफ केस लगाना पड़ा, उससे लगा भी नहीं आया था मैं, तो उस वजह से पहले मैंने सोचा कि भाई वाटर प्रूफ लगा लो, अब तो कैमरा है कभी सब कुछ आ रहा है, कुछ नहीं है, तो वाटर प्रूफ लग चुका है, तो अब आराम से हम बारिश में भी जो है ब्लॉग करते हुए जा सकते हैं। तो ये मेरा शादी है, भीग कर जाए भाई, लग ही रहा था कि बारिश होगी लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी हमें मालूम नहीं था। तो वैसे थोड़ा लेट हो जाता है, ट्रे भी थोड़ा लेट हो जाता है, तो गलत हो गया, बारिश हो गया ना, अपने टाइम में रेनकोट पहना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भीगना क्या है, भीग कर हम चाहते हैं जाएंगे, अभी भी लगी है, लेकिन तो ठंड ठंड तो लगेगी जो दूसरे के मौसम में। तो भाई अभी हम लोग जो है अभी टोल पार किया है, जस्ट उसके सामने खड़े हुए हैं, और लिटरली यार बारिश इतने ज़्यादा तेज भी नहीं हुई, फिर भी जो है गीले हो गए, सारे गीले हो चुके हैं, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, बस फोटो सेशन चल रहा है यहाँ पे। और देख सकते हो जो बहुत ही प्यारा व्यू है अभी यहाँ का, और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, तो फोटो सेशन चल रहा है यहाँ। अरे थोड़ा आगे जाइए, हम फोटो क्लिक कर ले, आओ यहीं क्लिक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ओ हेलो, तो भाई फोटो सेशन खत्म हो गया बारिश में, अब निकल चुके हैं हम आगे की तरफ, तो यहाँ से रोड जो है अभी भी 10 किलोमीटर दूर जाना है हमें, चल रहे हैं, चलते जाओ वहाँ। और भाई भीग चुके, गंदी तरीके से भीग चुके हैं, हमने सोचा यही कि अब जब भीग ही चुके हैं तो भाई और मज़े ले लें थोड़ा बारिश में, इसलिए जो है हम फोटो शूट करने लगे सारे के सारे। और मस्त हो, वाटर प्रूफ का फ़ायदा कुछ तो हो रहा है लोगों को, और वॉइस का प्रॉब्लम हो गया इसमें, क्योंकि भाई इसमें एक्सटर्नल जो वॉइस रिकॉर्डर है नहीं, लाइफ सेवर स्टैंड नीचे करवाया है भाई, इसलिए उससे काफ़ी ज़्यादा गंदा जो है एक्सीडेंट हो सकता है, तो जब भी आप गाड़ी चलाते हो ये कंफर्म करो, उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट करो, जबकि हाँ भाई जो स्टैंड है साइड स्टैंड उसको उठाया या नहीं उठाया, ये
क्योंकि वो अगर नहीं उठाया तो उससे टकराने की तो वजह भी है, या तो मोड़ता हो या फिर ज़्यादा गाड़ी बिक जाती है उस तरफ, तो वो सीधे ज़मीन में जाकर टकरा रही है और उसके टकराने से एनवायरमेंट होगी जो है लोग गिर जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उसका ध्यान दो और हमेशा जब भी गाड़ी स्टार्ट, अभी हमें अंदर 2 किलोमीटर दूर अंदर जाना है और भाई सच कहें तो बुरा हाल हो चुका है, ये भीग चुके हैं और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, वो कंटिन्यूसली चले गए जब से भाई स्टार्ट हो गया तब से बारिश हो रही है और भी हम जा ही रहे हैं। भाई बीच में रुके हैं, चाय पानी पिया हमने, गूगल मैप का यही फंडा है, वो रूट तो दिखा दे रहे हैं लेकिन बीच में रोड वोड बंद हो जाए तो हमें मालूम नहीं चलता उस चीज़ का, ये नुकसान है। तो अभी हम वापस घूमकर दोबारा वहीं आ गए यहाँ से। भाई एक चीज़ तो है कि बारिश में बाइक चलाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है, अगर कहीं अकेले होता तो भाई लिटरली रोड पूरा स्पॉइल हो जाता, लेकिन अकेले नहीं था के साथ में इसे ज़्यादा मज़ा आया।